हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए शकरकंद से बनी हुई हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और शकरकंद में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। और इस रेसिपी को आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं। और शकरकंद खिलाने से बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिससे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। और इस रेसिपी को बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फिर आइए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच चावल लिए हैं। तो मैंने टुकड़ी वाला चावल लिया है, आप चाहे तो साबुत चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चावल को पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 मीडियम साइज़ का शकरकंद। तो मैंने इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाला पार्ट निकाल देंगे और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे भी निकाल देंगे। और अब हम इसका छिलका उतार लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए छिलका मैंने उतार लिया है और इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है एक बार। और अब इसे हम थोड़े से मोटे मोटे पीसेस में काट लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो शकरकंद को मैंने थोड़े मोटे पीसेस में काट कर तैयार कर लिया है और चावल को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच घी और इसे मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए घी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये जो शकरकंद के पीसेस हैं इसे डाल देंगे और इसे घी के साथ में मिक्स करते हुए भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो इसे मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आना भी शुरू हो गई है इसमें से। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चावल, चावल को भी मिक्स कर लेंगे इसे और इसे 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो 1 गिलास के लगभग पानी हम कुकर में डाल देंगे और पानी डालने के बाद एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और जैसे ही सभी चीज़ें मिक्स हो जाएगी तब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें हाई फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने देंगे। तो कुकर में लगभग 3 सीटी आ गई है, कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है और ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है। और आप चाहें तो चम्मच की या मैशर की हेल्प से इसे हल्का दरदरा सा मैश कर सकते हैं या फिर इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, इसके बाद इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे ग्राइंड करेंगे। तो अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है और इसे ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग जार ले लिया है मैंने। और अब ये जो सभी सामग्री है इसे हम जार में डाल देंगे। साथ ही दोस्तों, मैं रोज़ाना आपके बच्चों के लिए नई नई और हेल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये देखिए मैंने इसे जार में डाल दिया है और अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए, और एकदम स्मूथ प्यूरी इसकी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। और अब आप इस रेसिपी को अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो बेबी फूड अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये लीजिए बनकर तैयार है आपके घर के बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो इस बार सर्दियों के मौसम में ये रेसिपी आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टेस्ट में भी बच्चों को पसंद आएगी और बच्चों का वज़न भी हेल्दी तरीके से बढ़ने लग जाएगा। साथ ही ये रेसिपी बच्चों की आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और आप इसे सप्ताह में 3 से 4 बार बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।